वायनाड लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे और अब से कुछ देर बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। वायनाड में 13 नवंबर को वोट डाले गए थे और वायनाड से प्रियंका गांधी की राजनीतिक पारी शुरू हो रही है और ये पहला मौका है जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा है, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उनके लिए ये परीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा। वहीं वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की तरफ से सत्यन मोकरी मैदान में हैं। वायनाड में लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में करीब 65% मतदान दर्ज किया गया था, जो कि अप्रैल में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए वोटिंग से कम है। वायनाड में उपचुनाव की ज़रूरत राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद ही हुई और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से ही चुनाव लड़ा था, दोनों पर जीत हासिल की थी और इसके बाद उन्होंने रायबरेली की सीट अपने पास रखी और वायनाड की सीट छोड़ी और घोषणा कर दी कि ये उनकी बहन प्रियंका गांधी संभालेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी तैयारी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी दूसरी बार 2024 के आम चुनाव में जीतकर संसद पहुँचे थे वायनाड से ही और इस बार उन्होंने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की CPIM के उम्मीदवार एनी राजा को 3,64,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी थी, एक बड़ी जीत दर्ज की। राहुल ने यूपी की रायबरेली सीट से अपनी सदस्यता कायम रखते हुए वायनाड सीट पर इस्तीफा दे दिया, इसलिए यहां हो रहे उपचुनाव में उनकी बहन प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, ये कहते हुए कि वायनाड का ख्याल तो गांधी परिवार ही रखेगा। अब पिछली बार कितनी हुई थी वोटिंग, तो पिछले चुनाव में वायनाड लोकसभा सीट पर 73.57% मतदान हुआ था और इस बार 65% ही मतदान हुआ, तो उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कुल 6,47,445 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनी राजा महज 2,83,023 वोटों पर सिमट गए थे। और इसी तरीके से तीसरी स्थान पर रहे बीजेपी के प्रत्याशी के सुरेंद्रन को महज 1,41,045 वोट ही मिले थे। अब इस बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि UDF की उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM की अगुवाई वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की ओर से सत्यन मोकरी को उतारा गया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व में NDA गठबंधन की ओर से नव्या हरिदास हैं जो टक्कर दे रही हैं और इस उपचुनाव में कुल 16 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला EVM में कैद हुआ। दक्षिण भारत में केरल के वायनाड लोकसभा सीट को सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता रहा है। 2019 में राहुल गांधी यहां से आपको बता दें कि अमेठी में जब चुनाव हारे थे तो यहीं से जीते थे और 2024 में तो यहां से भी जीते और रायबरेली से भी जीते। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित केरल के वायनाड सीट का राजनीतिक महत्व भी है। जिस तरीके से वहां पर प्राकृतिक आपदा आया और उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लगातार वहाँ पर वो मौजूद रहे और इसके अलावा आपको बता दें कि वहाँ पर वल्लियूर केवु भगवती मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की भी बहुत मान्यता है। इस लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी है, यहाँ पर काली मिर्च और कॉफ़ी की खेती की जाती है और इसी वजह से वायनाड को दुनिया भर में जाना जाता है। 2019 में राहुल यहाँ जीते थे और उन्होंने, आपको याद होगा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आई लव वायनाड टी शर्ट पहना हुआ था और अपनी बहन के साथ उन्होंने जमकर प्रचार भी किया। प्रियंका गांधी अपने सभी प्रचार अभियानों में ये आश्वस्त करती हुई नजर आई कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र का ख्याल रखा उसे वो कायम रखेंगी, ख्याल रखेंगी। अब आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से वो प्रियंका गांधी की जीत का मार्जिन जो है वो बड़ा रखे, तो अगर प्रियंका गांधी जीतती हैं तो जीत का मार्जिन क्या होगा ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे ही यहाँ से रुझान आने शुरू होंगे हम आपको बताएंगे। ख़ास तौर पे दोनों ही महिला उम्मीदवारों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों या नव्या हरिदास, इन्हीं के बीच में कांटे की टक्कर होगी और प्रियंका गांधी अपने इस डेब्यू में यानी कि पहली बार जब वो राजनीतिक मैदान में उतरी हैं तो उनका प्रदर्शन कैसा रहता है ये पूरा देश देखेगा, पूरा देश जानना चाहता है। ये गांधी परिवार की भी प्रतिष्ठा की बात है और वायनाड सीट से जो भी अपडेट है हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। वही नतीजे आने से पहले कुछ
प्रतिक्रियाएं भी हैं जो आ रही हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जीत के दावे किए जा रहे हैं। सुनवाते हैं आपको उनके बयान। बोल रहे हैं अभी तो हरियाणा में हमारे पक्ष में बोल रहे थे, पर जब परिणाम आने लगेंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति है। हमें पूरा यकीन है कि वहाँ की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है, विश्वास दिया है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं सर? महाराष्ट्र में जीत को लेकर कितने आश्वस्त? नहीं, हम तो आश्वस्त ही हैं, हमने तो आश्वस्त ही हैं, पर हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब इंडिया गठबंधन ने सबने मिलकर चुनाव लड़ा, एकजुट रहे, और माहौल भी हमारे पक्ष में है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार बनेगी, कांग्रेस गठबंधन की बनेगी। कार्यकर्ताओं को सर क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे कि मुस्तैद रहें परिणाम को लेकर? नहीं, अभी तो मैसेज क्या, अभी तो प्रेम भाईचारे सद्भावना से चुनाव हुए हैं, उसी ढंग से चुनाव हो। हमारा प्रयास ही रहता है कि हम हमेशा तनाव से दूर रहते हैं, अशांति से दूर रहते हैं। हम चाहते हैं सब आपस में डेमोक्रेसी है, पर हमें दुर्भाग्य से जो विपक्ष में हमारे हैं, मतलब सत्ता पक्ष अभी जो है, वो भी हॉस्टेलिंग से सरकार बनी हुई है, वो हमेशा ध्रुवीकरण करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, अशांति का हिंसा का माहौल बनाते हैं, उचित नहीं कहा जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि काउंटी में बहुत स्मूथली हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सर राजस्थान में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 7 सीटों पर? राजस्थान में तो अध्यक्ष जी कह चुके हैं आपको कि क्या स्थिति रहती है, देखते हैं क्या लोकल फैक्टर काम कर जाते हैं। तो मैं विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने और PCC ने बकायदा पहले बुला बुला के बात करी सबसे, और उसके बाद में टिकट वितरण भी हुए हैं, कैंपेन भी हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी परिणाम अच्छे रहेंगे। झारखंड में सर, झारखंड में किस तरह से देखते हैं आप? झारखंड का मैं गया तो नहीं हूँ, पर जो सुनते मैं समझता हूँ कि माहौल तो अभी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। उम्मीद करते हैं कि परिणाम सब जगह अच्छे रहने चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।